हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट पुमा द माउंटेन लोयन देखा होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। पुमा वर्सेस ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर एक काल्पनिक सुपरहीरो है जो मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देता है, लेकिन हम यहां पर जंगली ब्लैक पैंथर का मुकाबला कूगर से करवाने वाले हैं। ब्लैक पैंथर अमेरिका का एक काला जगुआर या एशिया और अफ्रीका का एक काला तेंदुआ है, और ब्लैक पैंथर एक दुर्लभ तेंदुआ है। इसे मेलानिस्टिक तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैंथर के शरीर पर काले रंग के पूंछे में फर या बाल पाए जाते हैं। भारत में ब्लैक पैंथर दक्षिणी राज्यों यथा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। ब्लैक पैंथर को IUCN की रेड लिस्ट में सफेद कैटेगरी में रखा गया है, और वहीं भारत सरकार ने ब्लैक पैंथर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची आई के तहत उच्च संरक्षण दिया हुआ है। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि कूगर और ब्लैक पैंथर के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। सबसे पहले हमें कूगर और ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ सीखना होगा। अब कूगर एक बड़ी बिल्ली है जो किसी भी शिकार को जिंदा खा सकती है। अमेरिका का मूल निवासी कूगर जगुआर के ठीक बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। यह बड़े पैमाने पर गुप्त और एकांत स्वभाव से ज्यादातर रात में शिकार पर घात लगाकर वार करता है, जो कृंतकों से लेकर हिरण तक कोई भी हो सकता है। कूगर 724 पाउंड प्रति वर्ग इंच के काटने वाले बल के साथ अपने बड़े शिकार को पकड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली गर्दन और जबड़े का उपयोग करता है। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि अगर यह बड़ी बिल्ली आपको अच्छी तरह से पकड़ लेती है तो आप बच नहीं सकते। नर का वजन 220 पाउंड से ज्यादा हो सकता है, और यह जानवर शेरबाघ और जगुआर के अलावा अधिकांश बिल्ली के समान प्रजातियों की तुलना में औसतन बड़ा है। कूगर के खड़े होने पर लंबाई लगभग 7 फीट और इसके पंजे भी बड़े होते हैं। इनके पंजे का 4 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा प्रिंट होता है, जो निश्चित रूप से सबसे बड़ा पैर होता है, और इन बड़े पैरों का उपयोग करके 18 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकता है। साथ ही आवश्यकता होने पर 49 मील प्रति घंटे तक की गति से भी दौड़ सकते हैं। यह शिकार को तुरंत निष्क्रिय कर सकते हैं। यह कहना उचित है कि कूगर एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। अब आइए ब्लैक पैंथर पर एक नजर डालते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जिसे पॉप संस्कृति में शामिल किया गया है। वैसे आपने हाल ही में ब्लैक पैंथर फिल्म और पुराने जंगल बुक कार्टून में भी ब्लैक पैंथर देखा होगा। यह एक डराने वाला जानवर और एक अच्छा तैराक है, और बड़ी बिल्ली के परिवार में सबसे अच्छा पेड़ पर्वतारोही है, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगभग 20 फीट से अधिक छलांग लगाने में सक्षम है। और यह अपने चचेरे भाई कूगर के विपरीत एक घात लगाकर शिकार करने की तकनीक को पसंद करता है। इसका काला कोट जैसा शरीर ब्लैक पैंथर को रात के दौरान इसे ठंड से बचने में मदद करता है। ब्लैक पैंथर का वजन 250 पाउंड तक हो सकता है, और 49 मील प्रति घंटे तक की गति से दौड़ सकता है। इसके पंजे के प्रिंट की साइज जो 4 इंच तक लंबे और 4.8 इंच चौड़े होते हैं। यह एक और मजबूत जानवर है, लेकिन कौन इस लड़ाई को जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत है? आइए विनर का पता लगाएं। दोनों जानवर मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं। इनकी लड़ाई ब्लैक पैंथर से घात लगाकर शुरू होगी। यह अपने काले रंग की वजह से छिपा रहेगा, और यह बेहद अच्छी दृष्टि और सुनने की क्षमता के कारण निश्चित ही कूगर को नोटिस कर लेगा। सबसे पहले ब्लैक पैंथर कूगर पर हमला करेगा। यह कूगर पर कूदने की कोशिश करेगा, और कूगर एक अच्छा मौका मिलते ही इससे बच जाएगा। यह दोनों बिल्लियां एक दूसरे को एक समय के लिए घेर लेंगी, और पैंथर एक भयानक दहाड़ देगा। जबकि कूगर बड़े आकार के बावजूद दहाड़ नहीं सकता है, क्योंकि दोनों जानवर बेहद आक्रामक हैं। कूगर लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा और ब्लैक पैंथर की ओर तेजी से चार्ज करेगा। इस तरह की लड़ाई पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अधिकतम गति पर ये दोनों जानवर समान रूप से मेल खाते हैं। यहाँ इनकी तेजी अधिक महत्वपूर्ण है,
कूगर भी ब्लैक पैंथर को उसके बेहद तेज पंजे का उपयोग करके ब्लैक पैंथर को हिला देगा और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। और यह मत भूलो कि ब्लैक पैंथर भी बड़ी बिल्ली की दुनिया में सबसे मजबूत जबड़े रखने वाले जीवों में से एक है। यहाँ तेज पंजे का अर्थ है कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी को लड़ते समय अत्यधिक नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ वजन भी अन्य सभी पहलुओं के साथ जोड़ा जाए तो इसमें ब्लैक पैंथर का फायदा होगा। तो आइए परिणामों को देखें कि यह दोनों समान रूप से मेल खाते हैं, लेकिन अंततः बड़े आकार, बड़े पंजे और बाइट फोर्स होने के कारण इस लड़ाई का निर्विवाद विजेता ब्लैक पैंथर होगा। दोस्तों, इन अद्भुत जानवरों की लड़ाई ने हमें एक आश्चर्यजनक परिणाम दिया। वैसे आपको क्या लगता है, हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पुमा की लड़ाई किस अन्य जानवर के साथ देखना चाहते हैं। ऐसे ही पहाड़ी शेर की स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, वुल्फ, जगुआर, ईगल, बनबिलाव, एनाकोंडा, सामान्य कुत्ते, पिटबुल और लकड़बग्घा के सांस रोक देने वाले मुकाबले देखने के लिए इसी वीडियो का अगला पार्ट देखना न भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने पुमा को शिकार करते हुए देखा है? यदि देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. देखिए, ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पे आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझ लें। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन में लें। वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाएं, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में गुल्ला न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और एंजॉय करें।